प्यारे दोस्तों, एक नेक परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां उसने एक लोहार को देखा। वह अपने हाथों से पकड़कर सुर्ख और दहकता लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की गर्मी उसको कुछ नहीं कह रही। इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इस शख्स ने अपने दिल से कहा कि ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। वो लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा कि तुम्हें कसम है उस पाक जात की जिसने तुम्हें ये करामत अता की, मेरे हक में कोई दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी तो कहने लगा कि मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालिहीन में मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, इस तरह का काम तो अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। फिर इस बात पर उसने जवाब दिया कि ठीक कहते हो, मगर मेरा हाथ इस वजह से नहीं जल रहा, इसकी कोई और ही वजह है। वजह उस शख्स ने मालूम करने की कोशिश की तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन औरत जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी खूबसूरत औरत थी कि मैं उसको देखते के साथ ही उसका आशिक हो गया था। वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत ही गरीब और मुफलिस हूँ, मैं उसको देखते ही उसका आशिक हो गया था और उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया था। मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाएगी तो मैं तेरी हर ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। यह सुनकर औरत पूरी तरह डर गई और कहने लगी, ऐ मर्द खुदा से डर, मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जो तू मुझे मजबूर कर रहा है इस काम के लिए। इसके जवाब में उसने कहा कि ठीक है, उठ और यहाँ से कई और का रास्ता देख। वो औरत चली गई, मगर थोड़ी देर बाद वो दोबारा आई और कहने लगी, गरीबी और तंगदस्ती मुझे मारे जा रही है और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है कि तेरी ख्वाहिश पर हाँ बोल दूँ। मैंने दुकान बंद कर दी और मैं इसको लेकर घर पहुँचा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने पूछा, ताला क्यों लगा रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया, कहीं कोई आ ना जाए और फिर मेरी इज्जत चली गई तो। तो दोस्तों, औरत ने कहा कि अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते। जब मैं उसके जिस्म के करीब हुआ तो उसका जिस्म कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उससे कहा, तू यहाँ किससे डर रही है। उसने कहा कि यहाँ हम दोनों को इस वक्त खुदा देख रहा है, तो क्यों ना मैं खौफ खाऊँ। इस औरत ने बहुत गिड़गिड़ाकर कहा कि ऐ मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि खुदा यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आग के शोलों से महफूज रखेगी और नहीं जलाएगी। इस बात को सुनकर और उसके चेहरे पर बहते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए और मैंने अपना इरादा बदल दिया और इसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी और यूं वो बाइज्जत खुशी खुशी वो अपने घर लौट गई। इस रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग खातून जिनके सर पर चमकता हुआ ताज नज़र आ रहा था मुझसे कह रही थी कि अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। मैंने पूछा कि आप कौन हैं। बुज़ुर्ग खातून ने कहा कि मैं इसी ज़रूरतमंद और मोहताज लड़की की माँ हूँ जिसकी गरीबी उसको तुम्हारे तरफ उसको खींच लाई और तुमने खुदा के खौफ से उसको छोड़ दिया और अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो दुनिया और आखिरत में तुम्हें आग से महफूज रखे। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया आपके साथ और शेयर करते हैं। दोस्तों, इमाम शाफी के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को बहुत ही अजीब किस्म की तलाक दी थी और ये तलाक बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलिका के साथ बैठा हुआ था कि हंसी मजाक में उसने मलिका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलिका जो कि बादशाह की अजीज तरीन बीवी थी, वो मजाक के मूड में थी तो उसने कहा, मुझे आप शक्ल से जहन्नुमी लगते हैं। ये बात सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने कहा, अगर मैं तुम्हें जहन्नमी लगता हूँ तो मैं तुम्हें 3 बार तलाक दे देता हूँ। मलिका ने ये सुना और उसी वक्त रोना पीटना शुरू किया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलेमा मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि इस तरह से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था, हाँ आपकी तलाक हो चुकी है
और ये मलिकाए आलिया अब आपकी बीवी नहीं है, लेकिन इस महफिल में एक बूढ़े मुफ्ती भी मौजूद थे। वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल किया तो उन्होंने अर्ज किया कि जनाब, ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने ये कहा था कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आप जहन्नमी है या नहीं। अगर कोई शख्स आपको जन्नती होने की गारंटी देता है तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में ये पूछा कि मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा, तो सभी उलमाए किराम इस बात के जवाब पर अपने सरों को झुका लिया कि इस दुनिया में कौन सा शख्स जहन्नुमी है और कौन सा शख्स जन्नती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए किराम को खामोश देखा तो बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए आपसे एक सवाल पूछूँगा। अगर आपका जवाब हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूँगा। बादशाह सलामत ने कहा, हाँ पूछो। तो मुफ्ती ने कहा कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह करने वाले थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह जो है छोड़ दिया था। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ एक बार ऐसा ही हुआ। मैं अपने खानखा में दाखिल हुआ, वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं भटक गया और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो वो लड़की ने रोना शुरू कर दिया और वो कहने लगी कि ऐ बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। मैं बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई करने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। यह सब सुनकर मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की एक आयत सुनाई। इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया तो उसने अपने नफ्स को ख्वाहिश में बदलने से बचा लिया, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद मुफ्ती ने बादशाह सलामत से कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती है और आपकी तलाक भी नहीं हुई। अजीज़ दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत की तलाश में होते हैं, लेकिन आप इस वाक़िए से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि हमें खौफे खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करना चाहिए जिसको करने की ताकत हमारे अंदर मौजूद होते हुए भी हम वो गुनाह ना करें। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।